हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग आपके फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन डेट्स के ऊपर। बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूअस मुझे सेम सवाल पूछ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कुछ न्यूज़ आई है, कुछ अपडेट आई है, तो उसको कवर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर अभी तक आपने फार्मेसी की कॉलेज लिस्ट नहीं बनाई तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉलेज लिस्ट बनाने का फॉर्म डाला है, जल्द से जल्द वहाँ से आपको कॉलेज लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपकी OBC SC ST NT जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जिस सिटी में आपको कॉलेज चाहिए, ठीक है, उसका पूरा डेटा एनालिसिस करके आपको एक कॉलेज लिस्ट बना के मिलेगी। वही कॉलेज लिस्ट आपको कैपराउंड में डालनी है। इसकी लास्ट डेट सिर्फ 13 तारीख तक है, तो जल्द से जल्द आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है ताकि वो कॉलेज लिस्ट आप तक पहुंच जाए। ठीक है, कॉलेज लिस्ट में एक भी कॉलेज ऊपर नीचे हो गया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो वो लॉस आपको नहीं करवा के लेना। प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, यहाँ पे जो काउंसलर्स बैठे हैं वो 5 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं। ठीक है, टॉप कॉलेजेस में बच्चे गए, लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके कम परसेंटाइल थे, फिर भी आज वो महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। एक ही चीज़ लास्ट मोमेंट पे अच्छे से की कॉलेज लिस्ट, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो बात करते हैं अभी आपके फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन डेट के ऊपर। ठीक है, जो न्यूज़ सोर्सेस आए हैं, ठीक है, इंटरनल सोर्सेज से हमें पता लगा है, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन ने जो चीज़ें कवर की है उसके बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 12 से लेकर 13 तारीख से पहले पहले आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, और वो चलेगा आपका 17 से 18 तारीख तक। फार्मेसी का प्रोसेस इस बार लेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा गलतियाँ वहाँ पे उनको मिल रही है। जो गलतियाँ इंजीनियरिंग के प्रोसेस में हुई है वो गलतियाँ वो फार्मेसी के प्रोसेस में नहीं दोहराना चाहते। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग की रजिस्ट्रेशन डेट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं हो रहे बच्चों के। ठीक है, बहुत सारे FC सेंटर में गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, वो फार्मेसी के टाइम पे नहीं होना चाहिए, इसलिए वो डेट को एक्सटेंड कर रहे हैं, ऐसा न्यूज़ सोर्सेस से पता लग रहा है। ये चीज़ आपके सामने मुझे रखनी थी। 13 तारीख तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 13 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 99% आपका 13 तारीख से पहले पहले शुरू हो जाएगा। चलेगा आपका वो 18-19 तारीख तक, बहुत आपको सफिशियंट टाइम दिया जाएगा, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। सारी FC सेंटर की प्रोसेसेस सारी इस चैनल पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और कॉलेज लिस्ट की जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी है। अगर आप कहीं से बनवा के ले रहे हो तो वहाँ से बनवा लेना, कहीं से बनवा लो, मैं यही कहना चाहता हूँ एट द एंड। ठीक है, क्योंकि आपको गलती नहीं करवा देना चाहता मैं। ठीक है, कोई बनवा के दे रहा है आपको, वहाँ से बनवा लो, आपके बड़े भाई टीचर्स जो भी आपको बनवा के दे रहे हैं वहाँ से बनवा लो। अगर आपको 100 कॉलेजेस की आइडिया है तो आप खुद बना लेना, नहीं आइडिया तो काउंसलर्स बैठे हैं उनसे बनवा लो। ठीक है, जो मैम का चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, वहाँ पे आपको नोट्स फ्री में मिलने वाले। ठीक है, चाहे आप कितने भी बत्थर कॉलेज में जाओ यार, वहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, वो पढ़ाई को मैं पुश करवाने देना चाहता हूँ। ठीक है, प्लीज़ एक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अलग सर को जानते होंगे, फिजिक्स वाला को जानते होंगे, मैं खुद उनसे पढ़ा हूँ यार, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उनसे पढ़े होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे। तो 12th के बाद बहुत सारे बच्चों का सपना होता है IIT के अंदर जाना। ठीक है, और अगर उनका वो सपना पूरा नहीं हो पाता, ठीक है, तो उनको लगता है कि हम कभी IIT के अंदर जा ही नहीं सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं यार। आप गेट के एग्ज़ाम देकर आप एक अच्छे IIT में जा सकते हो या फिर एक टॉप PSU ऑफिसर बनके इंडिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ठान लिया है मन में गेट, तो अब क्यों करना है वेट, है कि नहीं। तो इस बार फिर से PW के बच्चों ने परचम लहराया है, एक से बढ़कर एक रिजल्ट यहाँ पे PW के बच्चों ने प्रोड्यूस किए हैं। आपको IIT तक पहुँचाने के लिए PW आपके लिए बहुत सारे बैचेस लेके आया है, उसमें से पहली बैच है उसका नाम है पराक्रम 2.0 बैच B फॉर 2024 स्टूडेंट। ठीक है, जो बच्चे 2024 में गेट के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बैच है, जिसकी प्राइस आप सुनकर शॉक हो जाओगे। ठीक है, कि इतनी कम प्राइस में पूरा सिलेबस कैसे कवर होकर मिल रहा है, उसकी प्राइस सिर्फ आपकी 6,600 रुपये। ठीक है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके साथ ही PW एक न्यू बैच लेकर आया है, ठीक है, ESC के बच्चों के लिए एंड गेट प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, श्रेष्ठा बैच फॉर ESC एंड गेट एग्जाम 2025। ठीक है, जो बच्चे 2025 में गेट और ESC की एग्जाम देने वाले, चाहे वो मैकेनिकल के रहे, सिविल के रहे, इलेक्ट्रिकल के रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स के रहे, ठीक है, सब बच्चों के लिए ये चीज़ अवेलेबल है। इसकी प्राइस सिर्फ आपकी 13,999 रुपीज़ है, जिसमें आपको जनरल स्टडीज़ और एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कराई जाएगी, कंप्लीट करिकुलम आपका कवर्ड होगा और टॉप फैकल्टीज द्वारा आप पढ़ोगे। ठीक है, तीसरी जो बैच है उसका नाम है विजय गेट 2024 बैच। ठीक है, इसमें आपका
ये बेसिकली रैंक इंप्रूवमेंट एंड आपकी ड्रॉपर बैच कंसिडर होती है, इसकी प्राइस सिर्फ आपकी 3,499 रुपीज़ है, ठीक है। तो जो बच्चे ड्रॉपर होंगे तो उनके लिए ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस आपका 3,499 में कवर हो रहा है, तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए ESE बैच लॉन्च की गई है, ठीक है, जो सिर्फ आपकी 3,999 रुपीज़ में आपके लिए अवेलेबल होगी, ठीक है। इसमें आपका पूरा करिकुलम कवर हो जाएगा, प्लीज़ एक बार उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। और अगर कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपेयर करते हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है PYQs, ठीक है। तो PYQs के लिए फिजिक्स वाला आपके लिए लेकर आया है गेट वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आपके 16 ईयर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर होंगे, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, QR कोड के माध्यम से आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, ठीक है। टोटली गेट ओरिएंटेड ये बुक्स है, तो जरूर इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है आपको, ठीक है। डिटेल सोल्यूशन मिलेगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझाया जाएगा वीडियो सॉल्यूशन के अंदर भी, ठीक है। तो जरूर एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और इसी में अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो YSH500, तो आपको फिर से 500 रुपीज़ का ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा, तो जरूर आपको कूपन कोड यूज़ करना है, ऑफ में भी आपको ऑफ चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो इसको आपको भूलना नहीं है, ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाना, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए सी आप, बाय, टेक केयर, थैंक यू।